Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn what kind of steps we need to take place to complete the penetration testing process. Let's start. Here are the steps we need to use to complete the penetration testing process. First step, reconnaissance and planning. First step jo hai, it's a very important. Iske andar hum log kya karte hain? Planning karte hain. और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कर सके अबाउट द टारगेट. नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्कैनिंग एंड डिस्कवरी. इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज़ करते हुए अब कोशिश करते हैं टारगेट को स्कैन करते हैं, लाइक पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं ताकि कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी फाइट कर सके. थर्ड स्टेप है जी एक्सप्लॉयटेशन. Once we get any vulnerability, उस vulnerability को फ़ायदा लेते हुए हम लोग क्या करते हैं उस सिस्टम को ट्राई करते हैं एक्सेस करने की, यानी कि सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो है जी वो है मेंटेनिंग एक्सेस. जब सिस्टम एक्सप्लॉयट हो जाए यानी कि उसको हैक कर लिया जाए और उसकी एक्सेस ले ली जाए तो फिर कोशिश करते हैं कि उस सिस्टम की एक्सेस को भी मेंटेन किया जा सके, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं लाइक बैकडोर और की लॉगर्स टूल्स यूज़ करते हैं ताकि उसको फर्दर भी या लेटर ऑन भी हम लोग उसको एक्सेस जो है उसकी यूज़ कर सके. फिफ्थ स्टेप जो है वो है क्लीनिंग क्रैक्स. इस स्टेप पे हम लोग ये करते हैं कि जब आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं या उस सिस्टम हैक कर लेते हैं तो इस जब आप कंप्लीट प्रोसेस कर लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी उस सिस्टम के अंदर लॉग्स क्रिएट हुई है उस लॉग को हम डिलीट कर देते हैं या उसको बैलोप्लेट कर देते हैं, यानी कि जितने भी ट्रैकिंग हुई है हमारे सिस्टम की उसके उस सिस्टम को डिटेक्ट कर ले हुए या हैक कर ले हुए तो उसको हम लोग डिलीट करते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड को ताकि लेटर ऑन कोई हमें ट्रैक ना कर सके. और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है रिपोर्ट जनरेशन. फाइनली हम लोग क्या करते हैं तो ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद जो भी वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है या जो भी सिस्टम हैकेबल है उनकी कंप्लीट रिपोर्ट बनाई जाती है और उसको फिर मैनेजमेंट को प्रेजेंट की जाती है और उसके साथ साथ उनको सजेशन भी दी जा सकती है कि हम लोग किस तरह अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दीज आर द स्टेप्स वी आर यूज्ड टू कंप्लीट द पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ईच स्टेप को इन डिटेल में कि रिकॉलेसेंस एंड प्लानिंग में क्या करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. इसमें अटैकर क्या करता है एज मच एज इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल होती है अबाउट द टारगेट उसको कोशिश करते हैं गैदर करने की. इस स्टेप में क्या कर सकते हैं अब लोग कोशिश करते हैं कि उस होस्ट की आईपी एड्रेसेस लेने की कोशिश करते हैं, डोमेन की डिटेल लेने की कोशिश करते हैं, मेल सर्वर नेटवर्क टोपोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं. अच्छा, इस स्टेप में आल्सो वी डिफाइन द स्कोप एंड गोल्स ऑफ द टेस्ट इंक्लूडिंग द सिस्टम टू बी एड्रेस्ड एंड द टेस्टिंग मेथड्स टू बी used. An expert penetration tester will spend most of the time in this phase. This will help with further phases of the attack. जो expert penetration tester होता है वो most of the time spend करता है इसी phase के अंदर ताकि वो maximum जो information है about the target उसको gather कर सके. और क्योंकि जो ये information वो gather करता है उसको future में भी जितने भी attack करेगा उसमें वो इस information को use करेगा. और ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वो डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ करता है लाइक वो गूगल के ऊपर सर्च करता है टारगेट के बारे में, अगर डोमेन है तो डोमेन की डिटेल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है और कंप्लीट लिस्ट जो है वो डिफाइन करता है अबाउट द टारगेट. नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्कैनिंग एंड डिस्कवरी. बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेप द अटैकर विल इंटरेक्ट विद द टारगेट विद एन एम टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज. This help a penetration tester to launch attack using vulnerability in the systems. यानी कि based on जो previous step हमने लिया है जो उसने information gather की about the target publicly जो available थी उसकी base पे वो कोशिश करता है different tools को use करते हुए target के ऊपर attack करता है या tools use करता है और कोशिश करता है कोई ना कोई vulnerability find कर ले की, जिसके अंदर वो different tools use कर सकता है, port scaling के tools कर सकता है use, network scaling के tools use कर सकता है और कोशिश करता है find कर ले की कोई ऐसी port available हो जो कि open हो जिसके through वो system के अंदर access कर सके. इसी तरह अगर हम लोग web application testing की बात करते हैं there are two types of testing web applications. One is dynamic and other is static. अच्छा, static testing क्या होती है या scanning क्या होती है, उसके अंदर कोशिश करता है कि आइडेंटिफाई द वल्नरेबल फंक्शंस यानी कि वो
वल्नरेबल फंक्शन जो है, लाइब्रेरीज है या लॉजिक जो उसे इम्प्लीमेंट की है उसको स्कैन करने की कोशिश करता है और उसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करता है। और सेकंड वन जो है वो है डायनेमिक एनालिसिस। अच्छा, डायनेमिक एनालिसिस जो है वो मोर प्रैक्टिकल वे है। इसमें वो कोशिश करता है डिफरेंट किस्म के इनपुट देने की कोशिश करता है, यानी कि उसकी होस्ट जो है उसकी वेबसाइट पे विजिट करता है और डिफरेंट किस्म के लॉगिन पासवर्ड देने के ट्राई करता है, और उसके बाद उसका जो रिटर्न आता है वो लॉगिन पासवर्ड देता है, उनके जो रिस्पॉन्सेज है उनको रिकॉर्ड करता है ताकि वो फर्दर एनालिसिस कर सके कि इसने किस किस्म की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की है वेब एप्लीकेशंस के ऊपर, और ट्राई करता है वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने की। थर्ड स्टेप जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है। दिस इज अ क्रूशियल फेज दैट हैज़ टू परफॉर्म विद ड्यू केयर, यानी कि वेरी क्रूशियल फेज होता है जिसको वो बड़े एहतियात से कोशिश करता है परफॉर्म करने की। दिस इज द स्टेप वेयर द एक्चुअल डैमेज इज डन, मीन्स ये वो स्टेप होता है जहाँ पे एक्चुअल डैमेज सिस्टम को किया जाता है। अभी हम ट्राई करते हैं सिस्टम को एक्सेस कर लेगी और उसको एक्सप्लॉइट कर लेगी। और इस स्टेप के लिए जो पेनिट्रेशन है उसको सब काइंड ऑफ स्पेशल स्किल्स और टेक्निक्स चाहिए होती है ताकि वो अटैक कर सके अपने टारगेट सिस्टम के ऊपर। वंस दे गेट द सिस्टम एक्सेस, फिर वो क्या कर सकता है, सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकता है, फिर वो उसके एप्लीकेशन के अंदर मैनिपुलेशन कर सकता है और इवन नेटवर्क के अंदर भी मैनिपुलेशन कर सकता है और नेटवर्क को कंप्रोमाइज कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप है जी मेंटेनिंग एक्सेस। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्रोमाइजिंग अ होस्ट, मीन्स के जब हम सक्सेसफुली होस्ट को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि हम अपनी एक्सेस को मेंटेन रख सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस सिस्टम के ऊपर, लाइक बैक डोर और की लॉगर्स, जिसकी मदद से फिर अटैकर जो है रिमोटली किसी भी टाइम सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकता है विदाउट डिटेक्शन। और पर्पस यही होता है कि उसके सिस्टम के थ्रू एक्सेस करके फर्दर एग्जामिनेशन और पेनिट्रेशन की जा सके अबाउट द टारगेट, और नेटवर्क को भी स्कैन किया जा सके ताकि अगर कोई और वल्नरेबिलिटी है वो भी फाइंड की जा सके। द नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्लियरिंग ट्रैक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर गेनिंग एक्सेस एंड मिस यूजिंग द नेटवर्क दैट द अटैकर कवर द ट्रैक्स टू अवॉइड बींग ट्रेस्ड एंड कॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप उसको एक्सेस ले लेते हैं उसके बाद अटैकर कोशिश करता है कि जितने भी ट्रैक्स है या कोई लॉग्स है उसको क्लियर करता है ताकि वो लेटर ऑन कोई उसको ट्रेस ना कर सके या उसको पकड़ ना सके। तो इसके लिए क्या करता है कि जितनी किस्म की भी लॉग्स होती है उनको वो क्लियर करता है, और कोई ऐसा अगर मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है उसको भी वो डिलीट करता है। और कोशिश करता है अटैकर के जब अगर वो एक सिस्टम एक्सप्लॉइट कर लेता है तो सबसे पहले वो उसकी जो ऑडिटिंग है उसको डिसेबल करता है ताकि उसकी जो लॉग है उसके अंदर मैनिपुलेट कर सके। मींस उसका पर्पस यही होता है कि लेटर ऑन कोई भी अगर सिस्टम के अंदर एक्सेस करता है तो वो उस अटैकर को ट्रेस या पकड़ ला सके। द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप जो है दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट जनरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इन दिस स्टेप द रिजल्ट ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्ट आर कंपाइल्ड इन टू अ डिटेल्ड रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट यूजली हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा, इसमें कंपाइल किया जाता है कंप्लीट टेस्ट जो हम लोग जो भी प्रोसेस किए हैं उसको कंपाइल करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या इसके अंदर जो डिटेल प्रोवाइड करते हैं उस कंपनी को, उसमें रिकमेंडेशंस मेड इन द प्रीवियस फेज, यानी कि जो भी हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप्स लिए हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान और किस तरह हम लोगों ने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया या हैक किया है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की जाती है, और एंड द वल्नरेबिलिटी दैट वर डिस्कवर्ड एंड द रिस्क लेवल दे पोजेस, मीन्स उसके बारे में जो भी वल्नरेबिलिटी हमने डिस्कवर्ड की है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, और कितनी सिवियर किस्म की वो वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओवरऑल समरी ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्ट, कंप्लीट समरी दी जाती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में, और इसके अलावा हम लोग सजेशंस फॉर फर्दर सिक्योरिटी कि हम इसको किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, कौन कौन से पैचेस इंस्टॉल कर सकते हैं, और सारी की सारी रिकमेंडेशन जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। दिस इज़ द फाइनल स्टेप फॉर रिपोर्ट जनरेशन एंड दीज आर द कंप्लीट प्रोसेस वी फॉलो द कंप्लीट द पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस। आई होप यू लर्न कंप्लीट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।